वेस्ट यूपी में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुर्जाना एक एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को मेरठ में अनिल दुर्जाना को मार गिराया। उस पर 18 समेत 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अनिल दुर्जाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था। कुख्यात का असली नाम अनिल नागर था, जो कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुर्जाना गांव में रहने वाला था। दरअसल अनिल पिछले महीने ही अप्रैल की 10 तारीख को तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। जेल से बाहर आते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे दो लोगों को धमकाया, साथ ही एक कारोबारी को भी धमकी दी थी। इसको लेकर नोएडा पुलिस ने पिछले दिनों ही दो मामले दर्ज किए थे। तभी से नोएडा पुलिस को बदमाश की तलाश थी। इसके लिए नोएडा पुलिस की एक टीम अलग अलग इलाकों में कुख्यात की तलाश कर रही थी और आज आखिरकार कुख्यात का पुलिस से सामना हुआ और पुलिस ने उसको मार गिराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर अनिल दुर्जाना को यूपी की एसटीएफ पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो आपको बताता चलूं कि अनिल दुर्जाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम था। इस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। रंगदारी वसूलना इसका मुख्य पेशा था और पैसा ना देने वालों को यह मार देता था। पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं चूकता था अनिल दुर्जाना, जिसे आज मेरठ में एसटीएफ पुलिस ने मार गिराया है।